क्या डिस्कशन करनी थी ना आज? कौन सी करनी थी आज डिस्कशन? फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की? ठीक है, वेरी गुड। काम किए? एग्जांपल्स किए? पहली होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, चौथी पांचवी, ये तो आसान थी, और छवीं, सातवीं, सातवीं होगी ई की पावर एक्स डॉट साइन एक्स, आठवीं, उसके बाद दस थोड़ी हैं, बारह, तेरह, तेरह, तेरह सारी होगी। चल ठीक है, उसके बाद वर्क डाउन एग्जांपल, पहली होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं, सोलहवीं, कौन सी रह गई? सेवनटीन वाली। क्या है सेवनटीन वाली, क्यों रह गई? द चार्ज फ्लोन फ्रॉम अ सर्किट इन अ टाइम इंटरवल टी एटी। बेटा इंटीग्रेशन करना था, ये देखना उसने क्या बोला। उसने बोला तेरे को डी क्यू की वैल्यू कितनी है, टी बाय टाओ डॉट डी टी, यही है। और उसने बोला जीरो से लेकर टी तक करो। बेटा ये कौन सा चार्ज है, छोटा चार्ज है? अभी तूने ट्वेल्थ में पढ़ना है, पर तेरा कोई काम का, तेरा ये काम क्या? अगर तू टोटल चार्ज चाहिए तो क्या इंटीग्रेशन माननी पड़ेगी इस साइड भी और कहाँ से कहाँ? देख उसने क्वेश्चन में दिया भी है जीरो से लेके टाओ, इसको बोलते हैं टाओ, क्या बोलते हैं बेटा? इंटीग्रेशन मारा, यहाँ बच गया टोटल चार्ज। अब फील करना यार ई की पावर एक्स की डिफरेंशिएशन भी क्या होती है, ई की पावर एक्स और इंटीग्रेशन भी क्या होती है। तो सीधे लिखा ई की पावर एक्स, क्या क्लियर? बट क्या लिमिट भी लगानी पड़ेगी? बट क्या इसकी एंगल की भी अलग से करते हैं? तुझे याद है ना, करते नहीं करते? तो फील कर, इसकी करेंगे डिफरेंशिएशन, पर इसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में नहीं, डिवाइड में आएगी। कहाँ आएगी? तो इसकी डिफरेंशिएशन देख, डी टी और डी टी कितना हो जाएगा, वन, तो पीछे क्या बचा, माइनस वन बाय टाउ, क्या बचा? बचा नहीं बचा, फील आया? साइड पे करके दिखा दूँ, ये देख ये बचेगा ना डी टी बाय टाउ, ऐसा बचेगा, तो अपॉन डी टी, तो टाओ वन बाई टाओ क्या आ जाएगा बाहर, डी टी बाई डी टी की कितनी होगी, वन, तो वन बाई टी बाहर आएगा माइनस के साथ, कोई शक की बात, यानी यहाँ आएगा एक माइनस, क्या आएगा, और यहाँ आएगा वन बाई टाओ, तो टाओ साथ में लिख दें कोई बुराई, क्लियर? अब क्या कर दो, अपर लिमिट माइनस, अपर लिमिट जीरो से लेकर टाओ, तो ये करने की जरूरत भी, यही आंसर है, क्या यही आंसर है? टी पुट कर दे रहा ना, टी से जीरो ही जा रहे हैं ना, अच्छा सॉरी यहाँ पे जरूरत है क्योंकि e की पावर जीरो वन के बराबर होती है। ये देख q इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस, एक बार टाओ पुट कर, तो टाओ बाय टाओ कितना हो जाता है, वन, टाओ बाय टाओ कितना हो जाता है, ये आ जाएगा वन, क्लियर? ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको रहन दे ऐसे, तो माइनस लो लिमिट डाल, तो ये आ जाएगा e की पावर जीरो इंटू टाओ, ठीक है, तो q इज इक्वल टू, तो माइनस खोल दे, अब ये प्लस का हो गया, ये किसका हो गया, ई की पावर जीरो कितनी होती है, क्या वन, इधर बचा टाओ, टाओ किसका बचा, प्लस का, तो ये लिखा टाओ, फिर आया यहाँ बचा माइनस, और ये बचा टाओ बाय ई, तो टाओ क्या निकाल दे कॉमन, ये आ जाएगा वन माइनस वन बाय ई, ई क्या एक्सपोनेंशियल, क्या वैल्यू सीखी हुई है इसकी, वन अपॉन ई की वैल्यू आती हुई है हमको, क्या ई की वैल्यू भी याद थी हमको, कितनी होती है, 2.303, पक्का पता करके आना, तो वन अपॉन ई करेंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी, ये भी दिखाई है मैंने आपको, क्या यही आंसर है, देख यही है ना, बस फिर क्या था, सिर्फ कुछ सब कुछ तो दिया था, पुट करना था, चल कोई बात नहीं। अच्छा क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, ये बेटा ये तुमने ही देखने हैं, इसमें बिल्डअप होता माइंड, ठीक है, इसमें अलग अलग वैरायटी है, ऑब्जेक्टिव वन है, ऑब्जेक्टिव वन हो गए ना सारे, फिर नहीं कराऊंगा ना वैसे फालतू नहीं करा, ऑब्जेक्टिव टू सारे हो गए, पक्का? तीसरा वाला कैसे, दूसरा वाला कैसे किया, और पहला वाला बता मेरे को, कौन सा वाला देख रहे तू,
हाँ उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है ओरिएंटेशन पे अगर मैं एक्सिस को घुमा दूँ, ये देख एक्स यहाँ होता है वाई यहाँ होता है ना, मान लिया एक्स में टीडी ले लूँ वाई टीडी ले लूँ, तो बेटा वेक्टर को कोई फ़र्क, वेक्टर को कोई फ़र्क नहीं, स्केलर क्वांटिटी को कोई फ़र्क, कॉम्पोनेंट को फ़र्क है, किसको फ़र्क है, क्योंकि हम एंगल कौन से लेते हैं, जो एक्सिस के साथ है हॉरिजेंटल के साथ है, अब फील करना हॉरिजेंटल के साथ, मान लिया पहले थीटा था, कितना एंगल था थीटा ए वेक्टर का, पर फील कर जब तूने एक्सिस ही घुमा दी अल्फा से, तो अब क्या थीटा प्लस अल्फा हो गया, तो एंगल चेंज हो गया, इसका मतलब कॉम्पोनेंट पे फर्क पड़ेगा, किस पे, पहले मान ले कॉम्पोनेंट ए का कॉम्पोनेंट यहाँ आ रहा था ए कॉस थीटा, अब क्या आएगा ए कॉस थीटा प्लस अल्फा, चेंज हो गया ना वेक्टर पे कोई फर्क, बिल्कुल सही। दूसरा वाला सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी ऑलवेज, यार देखिए जो ऑलवेज और ऑलवेज लिखा होता है ना, ऑलवेज नेवर, चांसेस होती हैं गलती हैं, चांसेस कैसे होते हैं ठीक नहीं होते, उसने बोला इसका सेकंड वाला ऑप्शन है इट इज़ पॉसिबल, हाँ बेटा ए सी से बड़ा हो सकता है और बी भी सी से बड़ा, फिर आया तुम्हें, जैसे मान ले मैं ए को मतलब ए की वैल्यू ले लूँ 4 आई, बी की वैल्यू ले लूँ 3 आई, तो 4 - 3 कितना 1, तो हो गया ना सी छोटा, दोनों बड़े आ गए ना इससे, तो ये हो सकता है, हर बार हो जरूरी, पर ऑलवेज लिखे ना बाकी सब में, तो वो तो वैसे ही गलत हो गई, ठीक है। तीसरा वाला बेटा ये हमेशा ए माइनस बी से बड़ा होगा सी वेक्टर, अरे देखना डायगोनल बनते हैं ना, दे देख अगर ए वेक्टर यहाँ है तो 120 पे ये यहाँ बनेगा, तो ये क्या 120 है, तो ये क्या बनेगा ए प्लस बी, तो फील करना अगर ये ए प्लस बी है, तो अगर पैरेललोग्राम कंप्लीट करें क्या करें, तो कुछ ऐसी होती है, तो ये देख ये कितना होगा ए माइनस बी, हाँ तो बेटा ये हमेशा बड़ा ही होगा ना, ये वाला डायगोनल बड़ा होता है, अरे फील करना यार 120 के केस में, पहले बताया हुआ, वेरी गुड। और अच्छा उसने ये फोर्थ और फिफ्थ तो बहुत आसान था, ग्रेटर देन तो हो ही नहीं सकते ना यार, अरे फील करना उसका कॉम्पोनेंट कैसे हो सकता है बड़ा, जैसे वही ना मान ले 5 है तो किसी एंगल पे रखा होगा, तो उसका कॉम्पोनेंट बड़ा उससे उसके बराबर हो सकता है, कब हो सकता है, जब 90 डिग्री पे, क्योंकि 90 पे कॉम्पोनेंट याद है ना, वेरी गुड। ऐसे किया करो क्वेश्चन, चलो एक्सरसाइज बोलते जाओ, पहला हो गया, दूसरा बोलते जाना घबराना मत, तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा नहीं हुआ, जहर है तुम्हारे पास मेरे को दे दो। अबे ये देख कुछ भी नहीं है, कॉम्पोनेंट करना नहीं आते, इधर देख तेरे को ए बी सी डी ई के कितने वेक्टर दिए हैं, अबे 3 तो पूरे हैं, अब देख एक तेरे को ऐसा दिया, फील कर मैं तेरे को अलग से डायग्राम, ये 30 डिग्री पे 2 मीटर ठीक है, एक ऐसा दिया 60 डिग्री पे कितना दिए 1.5 मीटर, और एक सीधे नीचे दिए 1 मीटर 90 डिग्री पे, कितने, कोई शक की बात, अब तक कोई कॉम्पोनेंट बनाना नहीं आते हैं, अगर ये 2 है ये 30 है, तो एक कॉम्पोनेंट इसका इधर आएगा, जिसको हम बोलेंगे 2 cos 30, और इसको क्या बोलेंगे 2 sin, कोई शक की बात, अब फील कर क्या इसके भी 2 कॉम्पोनेंट आएंगे, एक काम करते हैं इसी के ऊपर बना देते हैं, एक कॉम्पोनेंट सीधा आएगा, अगर ये 1.5 है तो ये कितना आएगा 1.5 cos 60, अरे हाँ ना आएगा, नहीं आएगा, पर इसकी डायरेक्शन क्या ये वाली होगी, होगी नहीं होगी, तो इसकी डायरेक्शन ये बना देता हूँ, ये हो जाएगी 1.5 cos 60, और एक ऊपर की तरफ आएगा यहाँ, ये कितना आएगा 1.5 sin 60, और एक नीचे की तरफ आएगा 1 मीटर का सीधे 90 डिग्री पे नीचे, ये बन गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। एक बात बता, अब वैल्यू पुट कर 2 sin 30, साइन 30 कितना होता है, साइन 30, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1, साइन 60 क्या √3/2 कितना होता है, तो ये आ जाएगा 1.5 × √3/2, 1.5 cos 60 क्या 1/2, तो ये वैल्यू आ गई, ये वाले ध्यान से, ये वैल्यू आ गई बेटा 1.5/2, फील कर 2 cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2, तो 2 से 2 कटा ये कितना आया √3, तो ये देख ले यहाँ पे, देख क्या बचा यहाँ पे, बचा 1 + 1.5 को डिवाइड करेंगे तो क्या 0.75 √3, ये सेट बचा, ये देख यहाँ पे बचा 0.75, कितना बचा 0.75, ये कितना बचा √3 क्या होता है 1.732, और लास्ट में बचा ये 1, तो क्या सॉल्व नहीं कर सकता इसको,
अब तेरे को पता है देख, ये कट, ये बड़ा है तो ये यहाँ बनेगा, फिर ये बना है तो ये यहाँ बनेगा, तो क्या रिजल्टेंट का यहाँ से जाएगा? क्वेश्चन खत्म हो गया, पता चला पक्का? अरे देखने में मुश्किल लगता है, कुछ मुश्किल नहीं, थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल है। ओके छठा, सेवन्थ, एट्थ, कैरम बोर्ड हो गया, पक्का किया, एंगल बनाया इसमें, डिस्कस करके किया था, पर हो गया ना, पता चल गया, पक्का। स्ट्राइकर कैसे मारा, सीधा ये टेढ़ा टेढ़ा मारा, ठीक है, स्ट्राइकर यहाँ से टेढ़ा मारा और वो सीधे होल पे गया, तो फिर क्या है? हमने वो लगा दिया रिफ्लेक्शन वाला, ठीठा ठीठा लगाया ना, चल वेरी गुड। मॉस्किटो वाला भी हो गया होगा, मॉस्किटो वाला क्या है यार, उस कोने से उस कोने जा रहा है, देख ले, मान ले बॉडी डायगनल जा रहा है, कैसे जा रहा है? इसको बोलते हैं बॉडी डायगनल, क्या बोलते हैं? आसान था। अच्छा दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, बारहवां नहीं हुआ, पहले सुन ले, बारहवें में है क्या? उसने बोला ए वन, ए टू, ए थ्री, ये सारे वेक्टर दिए, क्या दिए हैं? छः वेक्टर दिए, कितने दिए हैं? ठीक है, हेक्सागन में दिए हैं, बिल्कुल सही बात है। उसने बोला उसके एक्स कंपोनेंट लिखो, क्या लिखो? बिल्कुल सही बात है। और उसने एक और चीज़ बताई है कि एक चीज़ को यूज़ करो, इनका रिजल्टेंट ना जीरो के बराबर है, किसके बराबर है? तो ये फलानी चीज़ आपको प्रूफ करनी है कॉस के साथ, ठीक है, आ जाते हैं। कुछ भी नहीं यार, अगर तुमने थोड़ा सा सोचा होता ना तो खुद ही कर देना था। कैसे दिया? ये कौन सा दिया बोलते थे? ये ए वन, ये, 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 ये वाला और ये वाला, और फील कर ये वाला एंगल तेरे को दिया होगा 60 डिग्री दिया होगा। तो कंपोनेंट लिखने, क्या लिखने हैं? हॉरिजॉन्टल के साथ कंपोनेंट लिखते जाओ, हॉरिजॉन्टल बना ले पहले, हर इसके लिए हॉरिजॉन्टल बन गया, इसके लिए तो यही है, तो इसके लिए क्या ये बनेगा, इसके लिए क्या ये बनेगा, इसके लिए भी ये बनेगा, फिर इसके लिए ये बनेगा, बस खत्म हो गई कहानी, इतना ही करना है तूने। आप सुनो, ये ए टू, ये 60, तो ये क्या बनेगा? ए टू कॉस 60, ये क्या बनेगा? ये 120। अरे फील करना, ये देख, अगर ये 60 तो ये भी, तो ये भी, तो टोटल 120। फील आया? तो ये कितना बना? ए थ्री कॉस, अब फील कर यार, ये इस साइड, ये इस साइड, तो ये एंगल कितना? 180। कितना? वेरी गुड। तो ये कितना बना? ए फोर कॉस, कोई शक की बात? यहाँ पे बताइए कितना बनेगा? ये 180 होगा बेटा, ये वेक्टर नीचे है, ये भी तो दिले ना साथ में 60 डिग्री, तो 180 प्लस 60 क्या 240, तो ये कितना हुआ फिर? ए फोर कॉस 240। अरे फील आया या नहीं? पता चला। अब ये देख, 240 तो पहले था, क्या 60 और मुड़ गए? अरे मुड़े नहीं मुड़े, तो ये कितना हुआ? ये आया ए, अच्छा ये ए फोर था, तो ये ए फाइव और ये ए सिक्स, ये कितना आया? कॉस 300, कोई शक की बात? अब सबका रिजल्टेंट ले ले, क्या ले ले, कैसे लिखेंगे? क्या ए वन प्लस ए टू कॉस 60 प्लस ए थ्री कॉस 120 प्लस ए फोर कॉस 180 प्लस ए फाइव कॉस 240 प्लस ए सिक्स कॉस 300, ये किसी रिजल्टेंट के बराबर है? अरे हाँ या ना, पक्का। और उसने एक और चीज़ दी है, ये रिजल्टेंट जीरो के बराबर है, ये रिजल्टेंट किसके बराबर है, तो इसको जीरो ले लूँ। और उसने एक और चीज़ दी है, जो ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, फाइव है, वो ए के बराबर है। अरे दिया नहीं, ये सब दिया है ना, तो फील कर, अगर ये सब ए के बराबर हैं तो ये भी किसके बराबर है? ए। ये भी किसके बराबर है? तो ये भी, तो ये भी, ये भी और ये भी। अब ए कॉमन निकाल सबसे, तो यहाँ क्या बचा? वन। क्या बचा? वन। और एक जब कॉमन निकला, वहाँ जाके क्या जीरो हो गया? तो यहाँ भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। बेटा यही तो प्रूफ करना था, ध्यान से देख, उसने प्रूफ क्या करना है? तूने प्रूफ करना है कॉस जीरो। बेटा वन की वैल्यू क्या होती है? कॉस जीरो, ठीक है। प्लस कॉस 60 को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाय थ्री। कॉस पाई कितना होता है? 180 ना, 180 बाय थ्री। इसको क्या लिख सकते हैं? 3π/3। इसको 4π/3। इसको 5π/3 इज इक्वल टू जीरो। प्रूफ कर दिया, यही तो था। अरे क्या क्लियर हो गई बात? मुश्किल लगा? अच्छा तेरहवा, ये सब नहीं करा रहा है, तेरहवा दूर में, ये तो इतना आसान है। चौदहवा, पंद्रहवा, पंद्रह डिटर्मिनेंट मेथड लगाया था या आई जे के?
वेरी गुड, आई जे के लगाओ, इतना बड़ा करने की जरूरत। सोलवा कुछ, अरे कुछ भी नहीं है। देखो मैंने आपको पहले बताया था ये एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, सी वेक्टर क्रॉस, सॉरी ये करता है पर इसका आंसर तो जीरो ही आएगा। देख कुछ नहीं, कन्वर्स का मतलब क्या, तुम कंफ्यूज होगी, कुछ नहीं। सी वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक है, फील करना। उसने बोला ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, कितने है? इसका मतलब ए और बी में एंगल लब्बे, तो सी में भी। सुनना, पर ए क्रॉस बी करेंगे तो आएगा वेक्टर, और वेक्टर का क्रॉस करेंगे वेक्टर के साथ, बट फील करना। ए क्रॉस बी का जो वेक्टर आएगा, मान ले वेक्टर आया एक्स, क्या आया, तो बेटा ये भी 90, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना 90, तो ये भी कितना होगा 90, अब ये भी 90 और ये भी, तो क्रॉस कितना आया इसका, जीरो जीरो, क्या है जीरो, क्या है जीरो, सुन ध्यान से, यही तो दिमाग नहीं लगाते हो आप। जब इसको आपने क्रॉस किया, इसका जो ये वेक्टर है एक्स, ये कितने पे आया, सुन बेटा ध्यान से, ध्यान से, ये 90 किसके साथ है, सी के साथ नहीं है, ये 90 ए और बी के साथ है, बट ये तो पहले से ही 90 है, तो ये भी 90, इसका मतलब ये दोनों के जीरो डिग्री पे हैं। फील कर, आ जा, ये देख, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, फील आया, ठीक है, जेड मतलब तुम्हारी तरफ, ठीक है। अगर मैं इसको एक्स ले लूँ, इसको यार ऐसे ले लें, ये ए और ये बी और ये सी, उसने बोला ये इनिशियल कंडीशन है, तीनों एक दूसरे का 90 डिग्री है, बिल्कुल, तो मैंने ए क्रॉस बी किया, तो के जो एक्स वेक्टर आया वो सी की तरफ आया, तो वही तो बता रहा हूँ, एक्स और सी 90 डिग्री जीरो डिग्री है। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, अगर मान लो ये एक्स निकला, तो ये फार्मूला सी एक्स साइन थीटा डॉट एन कैप, और अगर यहाँ जीरो डाल तो आंसर कितना आएगा, जीरो, ये बात बिल्कुल सत्य है। कन्वर्स मतलब क्या, हमेशा ऐसा होगा, नहीं हमेशा जरूरी ऐसा नहीं है। अब मान लेना यार ए और बी 90 डिग्री नहीं है, ए और बी 90 डिग्री, पर फिर भी आंसर तो सेम ही आएगा, ये देख कुछ उतनी, पहले मान ले 90 डिग्री थे, दिख रहे हैं इसमें 90 डिग्री, अब मान ले ये प्लेन ऑफ पेपर है, कैसा, ए यहाँ और बी यहाँ किसी 60 डिग्री पे, कितने पे, और सी ऊपर, फिर के जब ए क्रॉस बी जाऊँगा थंब ऊपर, तब भी तो सी उसके परपेंडिकुलर ही आ रहा है, तो जरूरी थोड़ी है कि तीनों परपेंडिकुलर हों। अरे फील आया इधर को, तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स मतलब क्या, यही होना चाहिए, जरूरी नहीं है, अगर नहीं होंगे म्यूचुअल परपेंडिकुलर तब भी काम चलेगा, या नहीं पता चला, अरे हाँ आया ना, ये देख 90 डिग्री है तब तो ऊपर जा रहा ही जा रहा है सी, पर अगर 30 डिग्री हो मान लीजिए तब भी तो जाएगी, 10 डिग्री हो तब भी तो, हाँ कोई इसमें शक की बात, चल वेरी गुड। और कौन सा इसके बाद 17 हुआ, सेवनटीन क्या बोल रहा है, 17 बोल रहा है एक पार्टिकल है सीधी लाइन में चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, चल रहा था उसको, ये पार्टिकल है देख घूम रहा है ऐसे करके वी वेलोसिटी से, कितने से, ठीक है। उसने बोला किसी टाइम पे हमने इस स्ट्रेट लाइन पे एक पी पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया, ले लो भाई पी पॉइंट, और एक कहीं ऑर्डिनरी पॉइंट ले लो जिसको बोला ओ, क्या बोला, उसने बोला ओ पी वेक्टर क्रॉस वी करेंगे वो पोजीशन से, उसको फर्क नहीं पड़ता पी किस तरफ है, OP क्रॉस B को देखना फील कर, मुझे पता है तुम्हें थोड़ा मुश्किल लगेगा, बेटा OP अगर वेक्टर बनाए तो क्या ऐसे बनेगा, और ये V इस तरफ है, अरे हाँ या ना, अगर ध्यान से ये है OP वेक्टर और ये है V वेक्टर, मान लें इनका एंगल भी थीटा, कितना, कोई शक की बात, इसको बोल दे X, क्या बोल दे, बेटा ये थीटा तो ये भी, कोई शक की बात, बट फील करना यार, अगर मान ले इसने बोला इंडिपेंडेंट है P, P को खिसका दे, P यहाँ ले ले, P यहां ले ले, तो अब जो ओपी वेक्टर बनेगा क्या वो ऐसा बनेगा, और ये क्या बनेगा, वी वेक्टर, मान ले इसको बोल थीटा डैश, क्या बोल, अरे फील करना, ये क्या बना थीटा डैश, इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए क्या एक्स सेम आ रहा है, एक्स सेम आ रहा है, तो क्या कंपोनेंट सेम आ रहा है, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस, तो ये वाला कंपोनेंट साइन, अबे जो साइन इसके लिए वो साइन उसके लिए, तो दोनों के लिए बराबर ही तो है, इंडिपेंडेंट है, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता पी यहां लो वहां लो, अरे पूरा करके दिखाऊं क्या, पूरा करके दिखाऊं, अरे क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, साइन या कॉस, साइन होता है ना, तो साइन तो ये वैल्यू आ रही है ना, तो अगर तू चाहे इस ट्राइंगल के लिए निकाल चाहे इसके निकाल, साइन तो सेम ही आनी है, तो वो भी साइन ही पूछा है, क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है, तो दोनों सेम ही है, इसका मतलब कोई फर्क, पूरा करके दिखाऊं, ये समझ गई तुम, वेरी गुड।
पूरा करके क्या दिखाना है, मल्टीप्लिकेशन में साइन डालना है और साइन यहाँ पे लिखना है, कर सकते हो इतना? अच्छा और बोल, ये कौन सा था? 18वां हुआ, 18वां हो गया, कौन सा 18वां? अच्छा ये इसको बोलते हैं लॉरेंस फोर्स, क्या बोलते हैं? लॉरेंस फोर्स, क्या बोलते हैं? लॉरेंस फोर्स, ठीक है चल कोई बात नहीं है, बाद में बढ़ेगी, पर तुम्हें फील आ गया ना, ये तुम्हें पता चला इस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं तभी हैरान हो रहा हूँ तुमने कर दिए। नहीं फॉर्मूले की बात नहीं है ना, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कौन सी डायरेक्शन में मिनिमम वेलोसिटी वी दें कि नेट फोर्स जीरो। हाँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी ना, मिनिमम वेलोसिटी तो बहुत आसान थी इसमें, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी, कर ली है ना पक्का? पक्का मिनिमम वेलोसिटी तो तभी होगी ना जब क्यू ई किसके बराबर हो जाए, क्यू वी बी के बराबर, तो ये कट गया तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई, ई बाय के, तो बहुत आसान था, पर इसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी। जैसे एग्जांपल उसने क्या है बेटा फील कर, ई यहाँ पे दिया, अरे मैं करवा रहा हूँ मुझे तसल्ली नहीं है, मुझे लगता नहीं है तुम्हें, ठीक है मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और बी इस तरफ है, क्या क्लियर बात? अब इन दोनों ने इसको बैलेंस करना, बट फील कर इसका फॉर्मूला क्या है, क्या क्यू वी क्रॉस बी, तो इसकी डायरेक्शन वी क्रॉस बी से मिलेगी, किससे? पर बी यहाँ पे, तो वी कहाँ हो कि ये इसको बैलेंस करे, तो फील करना अगर हमने नेट फोर्स जीरो करनी है तो हमारा ये फोर्स यहाँ आनी चाहिए, आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, तो वी कहाँ होना चाहिए? देख अगर वी अंदर की तरफ होता है तो वी क्रॉस बी, फिर फोर्स इधर आ रही है, बट अगर वी हमारा जेड की तरफ हो, किसकी तरफ? तो वी क्रॉस बी थंब इधर आया नहीं आया, तो वी की डायरेक्शन जेड में होगी, किसमें होगी? तो मैं ये फिर आया नहीं, क्योंकि हमने इसको बैलेंस करना है ना, इसको बैलेंस तभी होगा तो जब वेक्टर इसके अपोजिट बने, सिंपल। को कितने हो गए? 19, 20 कर दिया, अरे सिर्फ पुट करना था, ये तो ग्राफ बच्चों वाला क्वेश्चन था। 21 पक्का, सीधे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाला, हाँ सीधे निकल जाएगा उससे। 22 ये 22 नहीं की, ये तो बहुत आसान थे, पुट करना था सिर्फ, 22 नहीं किया तो फिर 23 भी नहीं किया होगा। आप कैसे हो तुम लोग, घबरा जाते हो क्या अब देख के? तुम्हें डिफ्रेंशिएशन करना नहीं आती है पावरों की क्या? ये देख उसने बोला कोई आरसी सर्किट है तेरे को, अभी कोई लेना देना नहीं है, वैल्यू है आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आरसी, ठीक है। उसने बोल दिया आई नॉट आरसी कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बात है, टाइम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, क्या पूछा बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी डी आई बाई डी टी, क्या पूछा? कब पूछा? जब टाइम जीरो है, जब टाइम कितना है आरसी, और जब टाइम कितना है 10 आरसी, बट पूछा क्या? रेट ऑफ चेंज, बेटा रेट ऑफ चेंज का मतलब है डी आई बाई डी टी, करंट का रेट पूछा ना, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, देख आई नॉट तो कॉमन रहा बेटा, फील करना है ई की पावर एक्स ही लगाना था, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, तो सीधे लिख देंगे ई की पावर एक्स, कोई शक की बात, बट बेटा इसकी भी तो करनी है ना एंगल की, तो इसकी कैसे करेंगे? देख डी बाई डी टी, क्या ये आ जाएगा माइनस टी बाई आर सी, अरे हाँ या ना, तो माइनस वन बाई आर सी क्या बाहर आ जाएगा, कोई शक की बात, तो वो क्या इसके साथ लिखेंगे? हाँ डिफ्रेंशिएशन में साथ लिखते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड में लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बाय आर सी, कोई शक की बात। अब टाइम कितने पे पूछा है? जीरो पे, तो इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा? जब इसकी वैल्यू हम जीरो पुट की तो e की पावर जीरो वन, तो ये क्या बचा? तो ये पहले का आंसर आई नॉट बाय आर सी, यही है, देख ले यही होगा, यही है ना, अरे हाँ या ना, नहीं देख इधर वैल्यू क्या थी, e की पावर माइनस क्या था यहाँ पर, t बाय आर सी, जीरो पुट किया तो आंसर आ गया हमारे पास आई नॉट बाय आर सी, ठीक है। अब पुट करेंगे आर सी, क्या पुट करेंगे? फील कर यहाँ आर सी पुट किया तो आर सी बाय आर सी क्या वन, e की पावर माइनस वन, तो क्या e नीचे आ गया? अबे तुम्हें आया, तो सेकंड का आंसर होगा आई नॉट डिवाइड बाय ई आर सी, है आंसर ये, बोलना। अब इधर टेन पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? तो फील कर आर सी और आर सी, तो e की पावर माइनस टेन नीचे जाएगा तो क्या e की पावर टेन, तो यहाँ पे इस वाले का आंसर होगा क्या, यही आंसर है, तुम्हें आया क्या, मुश्किल लगा?
तो फिर किया क्यों नहीं था, ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आते हो। इसके आगे वाला नहीं करा रहा मैं, सेम ही है ये, खुद ही करना तभी तो कुछ निकले कर पाओगे। 24 किया, ये तो बाकी आसान क्वेश्चन है तारे। 25, 26, 27 बेटा ये तुमने मैं कराना ही नहीं चाहता हूँ ये वाला क्वेश्चन। अच्छा 28 किया, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ये तो मतलब 27 क्वेश्चन नहीं किया बेटा, ये ऐसा होगा ही नहीं क्वेश्चन। देखो उसने बोला है एक रॉड है L, उसको हमने जीरो से लेके मतलब लेंथ उसकी L है, ठीक है, उसको एक्स एक्सिस पे रख दिया। अब उसकी लीनियर डेंसिटी है मास पर यूनिट लेंथ वेरिएबल कर रही है, क्या कर रही है, वेरी कर रही है। इसका मतलब सुनना, क्या मतलब है इसका, कि मान ली जो घनावट है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है। मान ली यहाँ पे मास ज़्यादा है तो आगे मास कम है, या आगे मास कम है यहाँ पे जैसे हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, एक रॉड ले ली मैंने, तो अगर उसका मैं अगर एक सेंटीमीटर का हिस्सा उठाऊं, मान ले वहां पे 10 ग्राम आता है, तो दूसरे सेंटीमीटर में भी कितना आएगा, तीसरे में भी, पर इसमें ऐसा अच्छा, तो इसको हमने क्या करना पड़ता है, तोड़ के जोड़ना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, तोड़ के जोड़ना पड़ता है। तो मैंने आपको ऐसा करवाया क्वेश्चन, अच्छा कोई बात नहीं छोड़ो। उसने बोला रो इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, फाइंड द एसआई यूनिट ऑफ ए एंड बी, फाइंड द मास ऑफ द रॉड इन टर्म्स ऑफ ए बी। पहला पार्ट भी नहीं हुआ आपसे, अब फिर क्या नल्ले यार, पहला पार्ट तो यार गधे को भी था। ये देख रो इज इक्वल टू ए प्लस बी सी, अभी ये निकालना था ना एस आई यूनिट ए और बी के। अभी रो की वैल्यू क्या, मास पर यूनिट लेंथ, ये क्या, ये है बेटा मास पर यूनिट, तो ये ए और प्लस बी एक्स, ये तो करो सुनो पहले, ए और बी फाइंड करना था। अब नल लो तो डायमेंशन इसकी और इसकी इसकी क्या हो जाएंगी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई सीधे एम एल माइनस वन, अरे हाँ या ना, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा एक्स क्या एल, तो ऐसे लिख सकते हैं बी एल इज इक्वल टू एम बाय एल, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई एम एल बाय टू, तो ए और बी तो यहीं से निकल गए। अब तुझे फाइंड क्या करना, तुझे फाइंड करना था मास ऑफ रॉड इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड एल। बेटा ये रॉड थी, ये देख ये तेरे पास क्या है, लेंथ है इसकी एल, कितनी है, मेरे कहने का मतलब है कि मान ले यहाँ पे मास धीरे, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा और ज़्यादा, जैसे भी हो सकता है, वो पता चल जाएगा एक क्वेश्चन देख, ऐसी रॉड है तेरे पास, तो तू डायरेक्ट कर। तो क्या करना पड़ता, सुन हम क्या करेंगे, एक्स पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, एक्स डिस्टेंस आएंगे और एक एलिमेंट काटेंगे छोटा, ये वाला एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट, इसको बोलेंगे डी एक्स, क्या बोलेंगे। अब फील कर अगर टोटल मास इसमें एम है कितना, तो क्या सारा मास आ जाएगा इसमें छोटे से एलिमेंट में, ये कम आएगा, सारा मास आ जाएगा छोटे से एलिमेंट में। बेटा पूरा मास एम है, हमने छोटा सा टुकड़ा काटा है उसका, तो टुकड़े में सारा मास आ जाएगा, कितना मास आएगा, छोटा मास आएगा, और छोटे को हम क्या बोलते हैं, डी एम, यही बोलते हैं ना यार, कुछ शक की बात, तुझे फील आ गया, बस यही तूने एम यहीं से निकालना है, एम कहाँ से निकालना है, यहीं से निकालना है, क्या क्लियर है बात, यहीं से निकालना है। अब निकालना कैसे, इक्वेशन क्या दी है तेरे को ये बेटा, अगर तू ध्यान से देख ये क्या मास पर यूनिट लेंथ पुट कर दे, मास कितना है वहाँ पे डीएम, लेंथ कितनी है क्या डी एक्स, इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा ए प्लस बी एक्स, अरे हाँ या ना, इस डी एक्स को उठा के मैं यहाँ लिख सकता हूँ, कोई शक की बात, क्या तुझे मास निकालना है, इंटीग्रेशन मार दे, क्या मार दे। अब फील करना यार, मैंने जो एलिमेंट लिया वो छोटा सा है और एक्स पे जाके लिया, बट मेरे को तो पूरी रॉड का निकालना है, तो इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या बोलती है, लिमिट डालो। अगर मैं जीरो से पुट करूँ यहाँ से और ऐसे ऐसे एलिमेंट काटते जाऊं टक 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 एल तक, कहाँ तक, तो क्या पूरी रॉड आ जाएगी, जीरो स्टार्ट करूं कहाँ तक जाऊं एल तक, तो लिमिट क्या डाल लूंगा जीरो से लेके, खत्म हो गया क्वेश्चन, क्या यहाँ पे बचा मास। अब फील कर ए डॉट डी एक्स, तो ए तो कॉन्स्टेंट, ए कैसा है, तो ए कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना बचा, एक्स पर अपर लिमिट माइनस, तो यहाँ पर बचा एल, क्या बचा
अबे तुम्हें आया पक्का प्लस यहाँ पे बचा बी. अब देख x डॉट डी एक्स क्या x की पावर 1 तो x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 क्या x बाय 2 बाय 2 तो यहाँ पे बचा x की पावर 2 बाय 2 बट फील करना x की जगह क्या पुट करेंगे l तो यहाँ पे क्या आता है l यही आंसर है देख ले पीछे आंसर है उसमें यही है एल बड़ा होगा उसमें और क्या एल बड़ा होगा मैंने छोटा ले लिया यही है ना आंसर. अरे तुम्हें आया फील किया कहने का मतलब है इसमें उसमें लिखा भी इतना बड़ा बड़ा कि जो उसकी मास पर यूनिट लेंथ है वो चेंज हो रहा है लिखा है ना वैरी कर रहा है वैरी कर रहा है तो डायरेक्ट कर तो हमने पहले इसको तोड़ा. देखिए इंटीग्रेशन कैसे लगाते हैं क्या पहले तोड़ना पड़ता है तो तोड़ा ना एक्स पे जाके डी एक्स या आप आगे सीखोगे ये आपके लिए नहीं मैंने सिखाया थोड़ी आपको तोड़ना ऐसे एक्स पे डी एक्स अभी नहीं सिखाया ना नहीं सिखाया ना नहीं सिखा कोई बात नहीं तब भी मैंने आपको थोड़ा प्रेज किया इस क्वेश्चन से पर मैंने आपको बता दिया करना क्या मुश्किल लगा क्या ऐसे बोलना है सिर्फ वैल्यू से पुट करनी है ये तो कॉमन सेंस की बात है. फील आ गया पक्का या नहीं चला बता गारंटी चल ठीक है. और बाकी क्वेश्चन तो हलवे थे सारे हो गए. नेक्स्ट चैप्टर रेस्ट मोशन काइनेमेटिक्स एग्जांपल्स हो गई दस पूरी हैं लास्ट है स्विमर वाली ठीक है. वर्कड आउट एग्जांपल वर्कड आउट है कितनी इसकी ठीक है 52 क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज किए हैं और अगर आप पूरे मिला दो तो कोई 70-80 क्वेश्चन बनते हैं इसके वर्कड आउट वगैरह ऑब्जेक्टिव वगैरह सब करो तो इतने बनते हैं ज़्यादा बनते नहीं है तो ठीक है तो ये कर देना साथ साथ में ठीक है तो समझ आ गया पक्का आसान था ना चल वेरी गुड.